कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान भागने की सोचेगा नहीं, पाकिस्तान डायरेक्ट भागेगा। पाकिस्तान और कोई रास्ता नहीं होगा दौड़ने के बगैर, भागने के बगैर। नहीं कि मैं कोई इतना बेवकूफ गलत फहमी नहीं थी इमरान साहब, इतनी बुरी हालत या नाइव पॉलिटिशियन नहीं था कि जब मैं एक नहीं, जो आपकी डिग्री थे जब आपने पढ़ाई कर रहे थे वो मैंने स्टडी किया है, आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। पुलिस खामोशी खामोशी मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। मैं सुबह एक्सरसाइज की, सुबह निकला एक्सरसाइज करके घर वापस आया तो मैंने अपना मोबाइल देखा, मोबाइल के ऊपर मैसेजेस व्हाट्सएप आए हुए हैं, प्लीज कॉल। हैरानी क्या हो गया, कोई अजीब इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। उठा ले, जान पहचान नहीं है कैसे उठाऊंगा, कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है, हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है, हमारे सुरक्षा दलों को भी स्वतंत्रता दी गई है, चाहिए जिधर जाके भागो। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन शब्दों सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे।